हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्लास 6 का चैप्टर 12। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग्स आर इन प्रोपोर्शंस। हमें बताना है कि इनमें से कौन से जो हैं वो हमारे प्रोपोर्शंस हैं। अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी जो चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। प्रोपोर्शंस मैंने उसमें समझाया है, जब हमारी दो रेशियोज इक्वल आती हैं, मान लो मैं इन दोनों को सॉल्व करती हूँ, इन दोनों को जब मैं सॉल्व करती हूँ, अगर इन दोनों की जो रेशियो है वो अगर इक्वल आती है तो वो हमारा प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा 15, 45, 40 और 20। तो हम इसको मान लेते हैं ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये है सी और ये है डी। तो 15/45 पहले हम इन दोनों की रेशियो निकाल लेंगे, फिर हम 40/120 इन दोनों की रेशियो निकाल लेंगे। तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 41 जा 40, 43 जा 120। या फिर आप 0 से 0 कट करके 4 से भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों में क्या आ गया, 1/3, यानी कि दोनों की रेशियो हमारी दोनों में 1:3 आ गया। तो जब दोनों की रेशियो सेम आ गई तो ये हमारा प्रोपोर्शन है। ऐसे ही 33/121 और 9/96। अब 9 1 जा 3 से चला जाएगा 3, 3 जा 9 और ये भी 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, उसके बाद 11 से अब सी करते हैं। अब देखो सी में भी इसको 24/28 लिख लो, 36/48। अब 2 से कर जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 7 जा, क्या आ गया 6:7। ये भी 2 से कट हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 12 जा, क्या आ गया 9:3। अब ये 3 से भी जा सकता है, वैसे 3 3 जा 3 4 जा, यानी कि रेशो क्या आई, 3:4। दोनों की रेशो अलग आ गई तो ये हमारा प्रोपोर्शन नहीं है। 32/48 और 70/210, 0 से 0 कट, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 1:3। 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2, 6 जा, 2 2 जा 2, 4 जा 2, 8 जा 12, 4 जा 6, क्या आ गया, अब ये भी 2 से और ये 3 से चला जाएगा, तो क्या आ गया 2:3 और 1:3। तो ये भी हमारा प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद ई देखते हैं, 4/6 और 8/12, 2 से कर दो, 4 6 2 3, देखो सेम आ गया, 2:3, 2:3। कटिंग करनी आपको आनी चाहिए, टेबल आनी चाहिए आपको। 33/44 और 75/100, ये चला जाएगा हमारा 11 के टेबल से, 11 3 जा 11 4 जा, 3:4। अब ये हमारा किसके टेबल से, हम 5 से कट करके देख लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, नहीं सॉरी 5 5 जा 25, क्योंकि 2 इधर चला गया तो 25 बन गया। अब 5 2 जा 10 और 0, 5 3 जा 5, 4 जा, सेम आ गया 3:4। ठीक है, तो जिसके रेशियो सेम आ जाएंगे वो हमारा प्रोपोर्शन में आ जाएगा। सेकंड में भी देखो हमें ऐसे ही बोला गया है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें भी हमें बताना है, हम इसमें प्रोपोर्शन निकाल के, रेशियो निकाल के, कि इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, इनकी ट्रू फॉल्स बता रहे हैं। यहाँ पे इसकी रेशियो निकालेंगे और यहाँ पे हम इसकी, ये जो बीच में साइन आप देख रहे हैं, ये साइन जो है ये हमारा प्रोपोर्शन का साइन होता है, ये हमारा सिंबल है, प्रोपोर्शन का एक सिंबल होता है ये। ठीक है, इसको सेम इसी तरीके से करना है, 16/24, 20/30, 0 से 0 कट हो जाएगा, क्या बन गया 2:3। ये 16 हमारा किससे चला जाएगा, जहां 8 के टेबल से, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, ये भी 2:3 आ गया, तो ये हमारा ट्रू है क्योंकि इसमें सेम आ गए। बी क्या है हमारा, बी में है 21:6 और बीच में प्रोपोर्शन का सिंबल है 35:10। आप 21/6 और 35/10, अब 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 7:2, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, इसमें भी सेम आ गया, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी देखो, सी में है 12:18 प्रोपोर्शन 28:12, 12/18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2:3,
28 अपॉन में 12, 2 से कट कर लो, 2 वन जा 2, 2 फोर जा 8, 2 सिक्स जा 12, उसके बाद 2 थ्री जा और 2 सेवन जा, तो ये क्या आ गया 7:3, यानी कि ये जो है हमारा ट्रू नहीं है, ये हमारा क्या है फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ देखते हैं, हम यहाँ कर लेते हैं फोर्थ, इसका डी है 8:9 प्रोपोर्शन 24:27, ठीक है। 8/9 हमारा कट हो सकता है, 8/9 किसी एक टेबल में आता है, 24/27 ये तो हमारा आता है किस पे, 3 के टेबल में, 3 8 जा और 3 9 जा, अब तो ये सेम ही हो गया 8:9 और 8:9, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ई देखो 5:2 रेशो, फिर हमें दे रखा है इसके साथ 3 पॉइंट, नहीं ये 5 पॉइंट है हमारा, एक सेकेंड, ये है हमारा 5.2 रेशो 3.9 है, उसके बाद प्रोपोर्शन 3:4, ठीक है। अब हमें इसको जो है ये हमारा पॉइंट में दे रखा है, तो हम इसको पॉइंट में ही करेंगे, तो पहले क्या आ गया 5.2 अपॉन में 3.9। अब यहां से जब हम नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जीरो आ जाएगी, और ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा, और जीरो से जीरो कट हो जाएगी, अब हमारा बन जाएगा 52/39, और ये क्या हमारा 3:4, ये तो हमारा 3/4 है। अब हमने इसको किसी ऐसे टेबल से दोनों को जो है इसको हमने कट करना, 13 के टेबल से कट कर देंगे, तो 13 4 जा 52 और 13 3 जा 39, तो ये दोनों देखो यहाँ पे भी 3:4 है और ऊपर भी हमारा 4:3 सेम ही आ गया लगभग, ठीक है, तो ये भी हमारा ट्रू है। और इसके बाद F पार्ट है, F भी देख लेते हैं हम, इसका F में है 0.9:0.36, फिर हमारा प्रोपोर्शन का सिंबल है 10:4, ठीक है, तो 0.9 और 0.36, इसका भी जो है हमें क्या करना है, पहले पॉइंट को जो है हम हटाएंगे। अब देखो ऊपर हमारी एक डिजिट है, तो हमने यहां से पॉइंट हटाया तो एक जीरो नीचे आ गई, नीचे हमारी पॉइंट से पहले दो डिजिट थी, इसको हटाया तो हमारे ऊपर दो जीरो आ गई, तो क्या बन गया ये 900/360, जीरो से जीरो कट हो गई, 90/360 बन गया ये हमारा, तो इसको हम 9 के टेबल से करते हैं, 9 1 जा 9, 0 का 0 ऊपर आ गया, और 9 4 जा 36, तो क्या बन गया 10:4 हमें पहले दे रखी थी, ये दोनों हमारे सेम हो गए, यानी कि इसका भी 10:4 हो गया और ये हमें पहले से ही दे रखा है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें करना है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रू हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं लगभग वो सभी सेम हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा उसी तरीके से होगा, ठीक है, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, जैसे हमें 40% और 200% दे रखे हैं और साथ में हमें ₹15 और ₹75 दे रखी है, तो इसको भी हमने बिल्कुल उसी तरीके से करना है ए बी और सी डी लेके, तो इसको ए बी ये सी और डी, तो 40 यानी कि दोनों की यूनिट सेम है, इसको हम यहां रखेंगे और ये दोनों सेम है, तो 40/200, 0 से 0 कट हो गया, 4 1 जा 4 4 5 जा 20 75, 15/75 हमारा 1:5 और नीचे भी आ देगा 15 1 जा 15 15 5 जा 75, 1:5 यानी कि दोनों का हमारा 1:5 आ गया, तो ये हमारा ट्रू है। अब है 75 लीटर और 15 लीटर, 5 केजी और 10 केजी, तो 75 नहीं, यहाँ पे 7.5 पॉइंट दे रखा है, 7.5 लीटर अपॉन में 15 लीटर और 5 केजी अपॉन में 10 केजी, तो ऊपर से पॉइंट हट जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगी, तो 75/150 बन जाएगा और ये 5/10 है, ठीक है। अब हम इसको 75 और 150 को हम कट करते हैं, तो हमारा 75 1 जा 75 और 75 2 जा 150, 1:2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1:2 आ जाएगा, ये भी हमारा ट्रू है। अब है 99 kg, 45 kg, 44 rupees और 20 rupees, तो 99/45 आ जाएगा और 44/20 आ जाएगा, 3 से कट कर लो इसको, 3 3 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15,
और उसके बाद 2 से 2 2 जा, 2 2 जा और 2 1 जा ये, ठीक है। फिर ये कट जाएगा 2 5 जा और उसके बाद 2 1 जा, 2 1 जा, यानी कि यहाँ पे तो हमारा 33 अपॉन में हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है 15 आ रहा है। तो ये हमारा और भी कट सकता है 5 के टेबल से, 5 3 जा 15 और सॉरी 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे भी हमारा 11 अपॉन 5 आ गया और यहाँ पे भी हमारा 11 अपॉन 5 आ गया, दोनों की रेशियो हमारी सेम हो गई। तो ये भी हमारा 11 रेशियो 5 हो गया और यहाँ पे भी 11 रेशियो 5 हो गया, दोनों की रेशियो हमारी सेम हो गई है। तो ये भी हमारा ट्रू है। अब इसमें देखो 32 मीटर और 64 मीटर, यहाँ पे 6 सेकंड और 12 सेकंड दे रखा है। तो 32 अपॉन में 64, 6 अपॉन में 12, इसको कट करेंगे 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, ऐसे ही 31 वन जा 31, 31 टू जा 64, दोनों का 1 रेशो में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 45 किलोमीटर 60 किलोमीटर, ये भी हमारा ट्रू है क्योंकि दोनों सेम आ गए। अब हम ये नीचे वाला लास्ट वाला करके देखते हैं। अब इसको हम 5 से कट करते हैं, तो 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 जाएगा, 5 9 जा 45 और ये 5 वन जा 5 और 5 टू जा 10, ठीक है। अब ये और कर सकता है 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया 3 रेशो में 4। अब ये भी देखो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो कितना आ गया 4 रेशो में 5। तो ये दोनों रेशो जो हमारी अलग अलग आ गई, हमारी सेम रेशो इसमें नहीं आई, तो ये हमारा ट्रू नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशोज फ्रॉम अ प्रोपोर्शंस, आल्सो राइट द मिडल टर्म, हमें इसके अंदर मिडल टर्म एंड एक्सट्रीमली टर्म्स वेयर द रेशियो फ्रॉम अ प्रोपोर्शन। अब हमें इस तरीके से इसमें दे रखा है, देखो हम इसको यहाँ पे हमें 25 सेंटीमीटर 1 मीटर दे रखा है, यहाँ पे रुपीज में, यानी कि ये दोनों यूनिट जो है अलग है। 1 मीटर का क्या मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, तो हम 1 मीटर की जगह लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। अब जैसे कि इसमें एक्सट्रीम और मिडल बोला गया था, इसमें एक्सट्रीम क्या है 25 और 160 हमारा एक्सट्रीम है, 1 मीटर और 40 जो है ये हमारा मिडल है। तो 25 सेंटीमीटर इसके साथ 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर का क्या मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये हमारा इसके साथ आ गया अपॉन में 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1 अपॉन में 4, ऐसे ही 40 अपॉन में 160, 0 से 0 कट, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 1 अपॉन में 4, दोनों की रेशियो सेम आ गई, तो हमारा प्रोपोर्शन है। और उसके साथ हमें बता देना है हमने कि जो ए और डी, यानी कि ये हमारा ए है, ये बी, ये सी और डी, ए और जो डी है वो हमारा, ए और डी जो है जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, वो हमारा किस कौन सा है एक्सट्रीम है, और जो हमारा बी और सी है वो हमारा इसके अंदर मिडल है, ठीक है। ऐसे 39 मीटर 65 और यहाँ पे बॉटल्स में दे रखा है, तो 39 अपॉन में 65 और 6 बॉटल अपॉन में 10, तो इसको भी हमने सेम इसी तरीके से करना है। तो ये हमारा जो है 13 के टेबल से चला जाएगा, 13 3 जा और 13 5 जा, तो ये आ जाएगा हमारा 3 अपॉन में 5, यानी कि 3 रेशो 5, और ये आ जाएगा हमारा 6 2 के टेबल से 2 3 जा और 2 5 जा, तो ये भी 3 अपॉन में 5, यानी कि 3 रेशो 5, दोनों का हमारी रेशो सेम आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा एक्सट्रीम क्या है, एक्सट्रीम हमारा 39 लीटर्स और 10 बॉटल्स, और मिडल क्या है 65 और 6। सी में क्या है 2 के जी 80 के जी 25 ग्राम और 625 ग्राम, तो 2 अपॉन में 80 और 25 अपॉन में 625, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 40 हो गया, 1 अपॉन में 40। अब इसको हम 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, इसको करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 इधर चला जाएगा, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 25। तो क्या आ गया यहाँ पे 1 रेशियो 40, यहाँ पे 1 अपॉन 25, दोनों की जो रेशियो है अलग अलग हो गई, तो ये हमारा जो है वो प्रोपोर्शन में नहीं आएगा। इसमें जो है 2 और 625 हमारा एक्सट्रीम है और ये दोनों हमारे मिडल हैं, ठीक है। डी पार्ट देखते हैं, अब इसका डी है 200 मिलीलीटर रेशियो 2.5 लीटर। अब देखो ये मिलीलीटर में दे रखा है, ये हमें लीटर में दे रखा है, ये दोनों तो रुपीज में है, तो 200 हमारे मिलीलीटर में है, हमें लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है। 1 लीटर के अंदर 1 मिलीलीटर में हमारे 1 लीटर में हमारे 1000
यानी कि 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2.5 लीटर में कितने होंगे, 2.5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2.5 इंटू 1000 तो कितना देगा 25,000। अब देखो यहाँ पे वन डिजिट के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे भी हम वन डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, लेकिन ये हमारी पॉइंट से पहले की जीरो और पॉइंट हमारा हट जाएगा, हमारा बचेगा 2500 मिलीलीटर, यानी कि हमने लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लिया, तो क्या बन गया हमारा 200 मिलीलीटर अपॉन में 2500, दो जीरो से दो जीरो हमारी कट हो जाएंगी, तो क्या बन गया ये 2 अपॉन में 25, उसके बाद 4 अपॉन में 50 है, तो 4 अपॉन में 50 इसको भी कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, क्या आ गया 2 अपॉन में 25, दोनों का सेम आ गया, तो ये हमारा जो है प्रोपोर्शन है, ठीक है, और इसमें एक्सट्रीम क्या है 200 और 50 और मिडल क्या है 2.5 और 4, तो इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज है ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा।